तो ग्रेवी बनाने के लिए मेजरली सिर्फ टमाटर चाहिए इसमें, और कुछ भी चीज़ नहीं जाती है। टमाटर आपको कैसे लेना है ध्यान दीजिएगा, ये वाला टमाटर थोड़ा सा ख़राब है, मैं इसे साफ़ कर लूँगी। टमाटर अच्छे लाल हो, हाँ ये देखिए आप हर तरफ से जहाँ से भी देखेंगे ये रेड ही है, इसमें येलो स्पॉट्स नहीं है, है ना। तो ऐसे ही आपको टमाटर लेना है जो हर तरफ से लाल हों। ये बहुत अच्छे से पके हुए होते हैं, ज़्यादा इसमें फ्लैश होता है और इससे अच्छा ग्रेवी बनेगा। अब इसको ना साफ़ कर लीजिए। सभी टमेटोज को जितनी क्वांटिटी में आपको ग्रेवी बनाना है काट कर अच्छी तरह से तैयार कर लें। कढ़ाई में डालिए डायरेक्टली टमेटोज, इसके ऊपर से ऐड कीजिए पानी थोड़ा ज़्यादा कि ये सारे टमाटर डूब जाएं। देन थोड़ा नमक, एक तेज पत्ता, एक मोटी इलायची यानी काली इलायची और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, ढक्कन लगाकर इसको कुक कीजिए। और ये टमेटोज पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आप इसको देखिए ये है ना एकदम ही सॉफ्ट हो गया है। मैं इसे पिचका रही हूँ ना इस तरह से, वो प्रेशर दीजिए तो ये स्मैश हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा रसा बाकी है। तो इस स्टेज पे ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट अगर आप ये बेसिकली ऑलराउंडर ग्रेवी है, मक्खनी ग्रेवी, तो इसलिए मैं इसमें ये थोड़े से ना काजू डाल रही हूँ 5-6। आप काजू नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, आप ये जो ग्रेवी है बिना काजू के इसे ठंडा करके पीस लीजिए, आगे भी प्रोसेस करेंगे तो वो सारे स्टेप कीजिए। तो ये एक ऑलराउंडर ग्रेवी है, आप इसे ऑलमोस्ट हर चीज़ में डाल सकते हो, और अगर आप इसे थोड़ा रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें फिर थोड़े बहुत काजू डालिएगा, जबकि इसमें पानी इस तरह कम हो जाए तभी। और अब इसको फुल फ्लेम करके ढक्कन लगा के सिर्फ 2 मिनट में पकाऊंगी, फिर ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर इसे पीस लेंगे। जैसे ये ठंडा हो जाए इसके अंदर से बड़े बड़े जो मसाले हैं जैसे कि बे लीफ हो गया और कार्डमम है ये बड़ा वाला, ये निकाल देंगे और इसके बाद इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए। पानी वानी नहीं डालना है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर है। ग्रेवी हो गया पीस करके तैयार, कढ़ाई में डाला है थोड़ा ऑयल और ऐड करेंगे थोड़ा कश्मीरी रेड चिलीज़, थोड़ा सा भूनिए लाइक 10 सेकेंड्स जैसा, इसका कलर अच्छा हो जाएगा। और फिर जो आपका ग्रेवी है इसको छान लीजिए, इसमें थोड़े से जो भी मोटे मोटे चंक्स हैं बेसिकली काजू के ही रहते हैं, तो उसे एक बार और थोड़ा सा पानी डालकर पीस लीजिए और इसे भी वापस छान करके मिला दीजिएगा। ये देखिए कोई वेस्टेज नहीं करने है हमको, सारी चीज़ें मिला दीजिए। और अगर तो आप काजू नहीं ऐड कर रहे हो तब तो आपको दोबारा पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, हमने काजू पीसते हुए थोड़ा और पानी डाला था ना, वो थोड़ा गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे थोड़ी शुगर, हल्दी, लाल मिर्ची, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डालनी है क्योंकि जब सब्ज़ी बनाएंगे तब भी ये चीज़ों का ध्यान रखा ही जाएगा, भुना मसाला में भी ये सब चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी डाली हैं, तो टेस्ट के हिसाब से नहीं बस थोड़ा डालें। नोटिस कीजिए ग्रेवी को, कितनी अच्छी ग्लेज इसमें आ गई है, कितनी यूनिफॉर्म स्मूथ क्रीमी ये ग्रेवी लग रही है और कलर भी एकदम ही परफेक्ट है। बस ये ग्रेवी हो चुकी है तैयार, इसको बहुत गाढ़ा नहीं आपको बनाना है, बस ये कंसिस्टेंसी सही है। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपको और थोड़ा थिक लगेगा, तब आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में एक बार ठंडा हो जाए। कैसे इसको यूज़ करना है ग्रेवी में वो मैं आपको बता देती हूँ। पैन में डालिए बिल्कुल 1 छोटी चम्मच तेल, डाला है मैंने ज़ीरा और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये सब चीज़ें भून लीजिए थोड़ा सा। कलर नहीं लाना है जिंजर गार्लिक को, थोड़ा सा भून लें कि उसकी खुशबू अच्छी वाली आने लगे, रॉल स्मेल चली जाए। तो ऐड करिए इसमें ये ग्रेवी 4-5 लेडल और देन 1 चम्मच भुना मसाला, 1 छोटी चम्मच घर की मलाई, मलाई है कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो ना डालें बिकॉज हम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना रहे हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रही हूँ, क्या आपको ऐड करना है क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो आपकी चॉइस है। ये सब थोड़ा सा पक जाएगा तो ऊपर से ऐड कीजिए थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, इसकी जगह आप जो किचन किंग रहता है ना वो भी डाल सकते हो, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड की है, सारी चीज़ें मिला के अच्छी तरह से भूनिए थोड़ी सी देर लाइक 30 सेकेंड, और आप चाहें तो ऐसे ही इस ग्रेवी में पनीर डाल सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर रही हूँ, आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सब्ज़ी पसंद आए थिक मसाला तो आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ा सा रनी आपको पसंद आता है तो थोड़ा पानी डालें, स्वाद के हिसाब से नमक एडजस्ट करें, पनीर डाल दीजिए और बस इन 30 सेकेंड आपकी ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। मलाई और जो कसूरी मेथी है वो आप टुवर्ड्स द एंड भी डाल सकते हो, वो एक अलग तरह का फ्लेवर और टेक्सचर देगा, शुरू में डाल देते हैं तो ये अलग तरह का फ्लेवर एंड टेक्सचर देगा। बेसिकली ये हम बना रहे हैं पनीर मलाई मसाला, इसलिए मैंने पहले ही डाल दिया है, ढक्कन लगा के 2 मिनट मैंने पकाया है। लुक एट दिस, कितनी सुंदर ये सब्ज़ी लग रही है, मलाई ने पूरा घी छोड़ दिया है तो ऊपर ये कोरमा जैसा भी आ गया है। अगेन चॉइस आपकी, आप मलाई डालें ना डालें, शुरू में डालें लास्ट में डालें, थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से फ़र्क तो आता है, बट
टेस्ट दोनों ही सूरतों में अच्छा आता है। इसको डिश आउट करेंगे एंड ये बहुत अमेजिंग पनीर मलाई मसाला हो चुका है तैयार। गिव इट अ ट्राई।